दोस्तों, आज हमारे देश में एक बार फिर विपदा आई है। कोरोना की तीसरी लहर चालू हो चुकी है और ऐसे में हो सकता है हम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, लेकिन कई बार हमें नहीं पता चल पाता है कि किस हॉस्पिटल में जाएं, कहां पे हमें बेड मिलेगा। ऐसे में ये एक वेबसाइट है madadmaps.com, इसके बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इस वेबसाइट की मदद से आपको तुरंत पता चल सकता है कि पूरे भारतवर्ष में कहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है और उसमें कौन से बेड्स खाली है, कितने बेड्स खाली है, खाली है भी कि नहीं। ये madadmaps.com आपके मोबाइल पर भी खुल सकता है, आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी खुल सकता है। इसमें जब जाएंगे तो उसमें दिखा देगा कि सबसे पहले तो आपको दिखाएगा कि एक पर्टिकुलर शहर या गांव या किसी रीजन में कितने हॉस्पिटल्स हैं। जो नीले रंग का गोला है वो बताता है कि इस जगह यानी कि नासिक में कितने हॉस्पिटल्स हैं टोटल, या औरंगाबाद या कहाँ कितने हॉस्पिटल्स हैं। तो आपको दिख रहा है कि औरंगाबाद में टोटल 3 हॉस्पिटल्स हैं और नासिक में 189 हॉस्पिटल्स हैं। फिर आप किसी एक शहर या गांव पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक गुब्बारा दिखाएगा, या तो हरे रंग का है तो नीले रंग का है तो लाल रंग का। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि वहाँ पे टोटल कितने बेड्स हैं हॉस्पिटल में और उसमें से कितने खाली हैं, कितने आप ले सकते हैं। ये भी बताएगा कि कितने ICU बेड्स खाली पड़े हैं, कितने ऑक्सीजन बेड्स खाली पड़े हैं और टोटल कितने वेंटिलेटर्स इस हॉस्पिटल में हैं। कई हॉस्पिटल्स के टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप इनको कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ये भी बताता है कि कब इनके वेबसाइट पे जानकारी अपडेट की गई, सो दैट आपको ये भी पता चले कि कितनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कितनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है ये। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको मदद मिलनी चाहिए। ये बहुत अच्छा एक वेबसाइट आज ही मुझे पता चली है, तो उस पर वीडियो मैंने बनाया है। वेबसाइट का नाम है madadmaps.com।